कैसा आदित्य? बढ़िया भाई बढ़िया। बहुत दिनों बाद व्लॉग में आए तू, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम नहीं बोलेगा? जय श्री राम। हाँ, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। चल ठीक है, अपन आते हैं। आ ही तो रहे हो, फिर 6 बजे से आ ही तो रहे हो। अरे नहीं भाई, वो चेंज करेंगे, उसके बाद तेरे साथ वर्कआउट करेंगे। क्या ले रहा है? चेस्ट। चेस्ट और फ्रंट एंड। फ्रंट एंड। और मेरे भाई कैसा है? तो चलो चलते हैं, आप एक्सरसाइज चालू करते हैं। मैं तो अभी बस शर्ट खोलूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज चालू। और मैं कुछ ज़्यादा खाना खा लिया हूँ तो मेरा पेट बाहर दिख रहा है। अरे यार, मैं ना आज चावल बहुत ज़्यादा खा लिया। आज मेरी मम्मी ने इतना चावल कैसे बनाई थी मैं समझ नहीं आया, इसलिए मैं खा लिया। मैं कितना खा लूँ, मेरा ऐप तो दिखेगा ये। ठीक है चलो चलते हैं, वर्कआउट करते हैं। क्या नहीं, ये बात करेंगे तो कैमरा पलट दिए। अरे गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, वाओ के नाम पे ये कुछ नहीं था। अभी जा रहा हूँ वाओ। ये आ गया बाथरूम करके, चार बार। ये क्या करने गए? चार बार नहीं, हर 15 मिनट में एक बार। ये मूत्र विसर्जन करके आए हैं। मूत्र विसर्जन दिन में लोग 4 बार करते हैं, ये अभी जिम में ही 4 बार कर चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं सेट करने। क्या साल के अंदर 130 किलो के बेंच मारनी है। हाँ भाई, मेरे को भी मारनी है, इसके साथ मारूंगा मैं। एक साल गांड फाड़ के लेकिन 130 पहुंचा है। आदित्य की लाइफ कि उसको एक साल में 130 किलो बेंच लगाना है, वो लगा लेगा। अब मिलते हैं अपन अगले एक्सरसाइज। अरे कैमरा बंद कर देता है, चालू है। बोल 130 किलो 150 किलो एक साल में। अभी 80 है, 90 है, 90 है, मेरा 80 है, 90 है, 90 मेरा, मेरे बॉडी वेट इतना 55 है। 35 दूनी 70, ठीक है, और 20 किलो, 20 किलो, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर तक 130 केजी पक्का। इस साइड गिर रहा था कि नहीं गिर रहा था? गिर रहा था ना। ये बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मशीन में कुछ भी शुरू से बोल रहा हूँ। ये बेंच प्रेस के मशीन में ना एक साइड राइट साइड में बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। भैया का भी कहना है, मेरा भी कहना है, ऋषु का भी कहना है, आदिल का भी कहना है, सारे लोग बोल रहे हैं। राम का पहला सेट है शायद, पहला सेट तो नहीं होना चाहिए, वेट बहुत कम लग रहा है। साल भर के अंदर 130 की बेंच मारूंगा इसी चैनल पे। दूसरा ऑल इंडिया देन टॉप 10 के अंदर अंदर आऊंगा इंडिया में, प्रॉमिस। इसीलिए चले ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 के अंदर अंदर कोशिश है, ऑल इंडिया रैंक 1 करके टॉप 10 के अंदर अंदर, क्योंकि SSB अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रहती है उसमें। टॉप 10 के अंदर प्रॉमिस है, चलो देखते हैं। इजी बॉय। मेरा वेट 1300 ग्राम बढ़ गया। 1300 ग्राम तो बहुत ग्राम, 55 था, 6.3 है, 1.3 kg बोलते 1300 ग्राम क्या होता है? आदिल चलो लेट्स स्टार्ट। मैं जिम पे हूँ यार, 2 मिनट रुक जा।
संभाले फिर से ले। वो अकेले वेट लेने गया ना, मैं लेने नहीं जा रहा हूँ। हाँ अकेले वेट ला रहा, अभी आके ना गुस्सा आएगा मेरे ऊपर। आ रहा है अभी, 15 लगा रहा है। 15 साल। अरे मैं तो नहीं करूँगा ना, फिर अभी वेट में उसी से मंगाऊंगा। ये देखो अपने भैया आ गए अपने। कौन सा वीडियो बना रहे हैं भैया अपन? पहला सेट कंप्लीट हम लोग का इंक्लाइन। और भैया पीछे से कितने पुशअप जाते हैं आपसे? गाइस मेरा पैर लग गया यार, बहुत दर्द दे रहा है। 15 किलो गिर गया इसके पैर पे, उंगली पे, बहुत दुख रहा। देखो मैं ये नहीं बोलता कि वीगन बनो, मैं बस ये बोलता हूँ कि अगर आप वीगन हो तो आपको डाइट और प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मतलब शायद हाँ, और अगर आप वीगन हो, हाँ अगर आप वीगन हो, एक बात की बात समझो, अगर आप वीगन हो तो आप प्रोटीन वाटर भी नहीं ले सकते, सीधी बात है। वो भी डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट है, वो भी तो मट्स का ही बनता है ना भाई। वे बनता है, उसके बाद आइसोलेट बनता है दोनों। हाँ तो वो भी तो फिर तो आप तो वे प्रोटीन भी नहीं ले सकते। तो वीगन वाले भाई कोई सेंस नहीं बनता कि वीगन रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट खाओ, वो चीज़ अच्छी है। पनीर खाओ, सोया प्रोडक्ट खाओ, ये सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं। और जिन लोग भाई मांसाहारी हैं उन लोगों के लिए तो वैराइटीज हो प्रोटीन सोर्स। हाँ तेरे को जिम स्टार्ट हुए कितना दिन हो गए, कितने साल हो गए, कितने मंथ हो गए? अप्रॉक्सीमेटली 2 साल हो गए भाई, लेकिन वही कंसिस्टेंसी नहीं था क्योंकि मेरे 10th के बोर्ड से उसके बाद NDA की तैयारी पे कंसिस्टेंसी नहीं था और ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा था। अब कंसिस्टेंट रहूँगा अपना, सितंबर तक कंसिस्टेंट रहूँगा, उसके बाद एग्ज़ाम देकर आऊँगा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम दे के इंदौर ही में रहूँगा, तो फिर वहाँ पर कंसिस्टेंट रहूँगा। तो ऐसा है, बहुत ट्रैवल करना पड़ता है इधर से उधर, कभी इंदौर से यहाँ, इंदौर से वहाँ, तो दिक्कत। तेरे को 2 साल में अपने बॉडी में क्या क्या चेंजेस दिखे हैं? भाई बहुत चेंजेस दिखे हैं, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो गई है। स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट किया था जिम तो मैं सिंगल बारबेल भी नहीं मार पाता था 8 रैप। अब मान लेता हूँ 80 किलो टोटल, अब इसको 1 साल के अंदर 130 किलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं? बहुत ज़्यादा भाई, देखो लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। मतलब मान के चलो कि जीवन के जो लौड़े लगे थे अब लाइन पे आ गई है जीवन। ऐसा जिम से ना लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन और मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। अब आप लोग जानो, आप लोग डिसाइड करो कि हमको एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है। मैं ये नहीं बोलता कि जिम पे आओ, जिम पे एक्सरसाइज करो, घर पे भी कर सकते हो, बट ये है कि जिम पे आओगे तो लोग रहते हैं उनको देख के मोटिवेट हो सकते हो आप। जीवन तो सुअर का भी वही रहता है कि भाई खाएंगे पड़े रहेंगे, है ना। जीवन उसका भी होता है, जीवन शेर का भी होता है, आप लोग चूज कर लो यार, क्या रहना, सुअर रहना कि शेर रहना है। देख लो भाई आपको कैसा करना है, क्या करना है। मैं तो बोलता हूँ अभी अगर जो चालू नहीं किया जिम चालू करो, एक्शन लो, डिसिप्लिन बनाओ। अगर आप खुद के डिसिप्लिन पे नहीं चल पाओगे तो आपको हमेशा दूसरों के डिसिप्लिन पे चलना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में, तो सेल्फ डिसिप्लिन लाओ और लाइफ को इन्जॉय करो। और क्या, फिट रहने से खुश भी रहते हैं। हाँ फिट रहने से खुश भी रहते हैं, ठीक है। अमनीश तो क्या बोलना चाहिए कैमरा जिम जाने के बारे में? जिम सबको जाना चाहिए, छोटा हो, लंबा हो, फिर होना। हाँ अच्छा, जिन लोगों को जिम जाना नहीं है, मैं देखो मैं पर्टिकुलर हेल्दी लोग की बात कर रहे हैं। नहीं हाँ मैं ये नहीं बोलता कि आप जिम में ही जाके एक्सरसाइज करो, आप बस मेरा कहना है कि घर पे भी एक्सरसाइज करना है तो घर पे करो, लेकिन एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज मत छोड़ो, ये कहना। हाँ तो जा रहे हैं अभी हम लोग घर। प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना नीचे, जो भी अच्छा लगा आपको, जो भी गंदा लगा सब कमेंट करना।
और सपोर्ट करो, ऐसे ही सपोर्ट करो, सपोर्ट करते रहो, सपोर्ट बना के रखो। हाँ अमनीश का भी गेन हो रहा है अपने साथ। बाय बोल। बाय गाइस, जय श्री राम। एक शायरी बता रहा हूँ मैं, सुना था कहीं पे, नफरत नहीं हम प्रेम के आदि है, नफरत नहीं हम प्रेम के आदि है, गर्ज कहो हम हिंदुत्ववादी है। क्या, जय श्री राम। You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving.